बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे लाइव टेस्टिंग, लाइव सॉफ्टवेयर में कैसे सिग्नल जनरेट होते हैं, कैसे कंफर्म होते हैं, वो सब आज देखते हैं। बहुत सारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थी कि लाइव में कैसे चलता है, तो इसके अंदर अमी ब्रोकर के अंदर एक ऑप्शन होता है बार रिप्ले का। तो देखते हैं सिग्नल कैसे जनरेट होता है। तारीख यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और इसको चलाते हैं। तो ये सेल सिग्नल चल रहा था, अब आगे से देखते हैं कैसे चलता है लाइव टेस्टिंग के अंदर। मैं इसको थोड़ा, एक कैंडल इसकी 15 मिनट की होगी, 15 मिनट की, इसको थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। ये चलने लगा है, ध्यान से देखिए कि सिग्नल कैसे काम करते हैं। ये एक कैंडल बन रही है 15 मिनट की। अब ये देखिए जनरेट हो गया है बाय सिग्नल, पर बाय सिग्नल गलत है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। ये ब्लू का ट्रायंगल आया है, मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ। ब्लू का ट्रायंगल आया और सेल सिग्नल आया, देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आया और इसका मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट सेल सिग्नल का वेट करिए। अगर सेल सिग्नल आ जाता है तो कंफर्म बन जाएगा। अब ये आगे चलते हैं, देखिए सेल भी आ गया, तो मतलब कि सेल पर ट्रेड कर देना है आपको। आगे चलते हैं कैसे काम करते हैं, देखिए ये देखिए दूसरा एक ट्रायंगल आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंटिन्यू पोजिशन होल्ड करिए मार्केट नीचे की तरफ है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए मार्केट काफी जा रहा है नीचे की तरफ, अगेन एक डाउन ट्रायंगल आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप पोजीशन होल्ड करिए। काफी मार्केट नीचे गया, तो ये चल रहा है वो लाइव टेस्टिंग है। एक कैंडल बन रहा है 15 मिनट का। अब ये यहाँ देखिए थोड़ा मैं बैक लेता हूँ। ये बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, पर बाई में आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जिट कर देना है। फिर से सेल आया, इसको साइडवे बोलते हैं। देखिए हमने बाई के पहले ऊपर की तरफ फेरो नहीं दिया, मतलब कि गलत है। सेल के पहले नीचे की तरफ फेरो नहीं दिया तो मतलब कि ये भी गलत है। बाद में फिर से अगेन बाई सिग्नल आया, वो भी गलत है, क्योंकि यही है हमारे सॉफ्टवेयर की मेन फैसिलिटी कि डोंट ट्रेड इन साइडवे मार्केट। आपको एक गलत सिग्नल में हम ट्रेड ही नहीं करवाते, तो आपको इसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से क्या हो रहा है। ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल आया है, डोंट वरी, अभी ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए अब एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया है, ये कंफर्म था। अब ये ऊपर की तरफ, मतलब कि देखिए कितने लॉसेस में यहाँ आपको, जो कि नीचे की तरफ ट्रायंगल डालकर उसने करीबन 3 पॉइंट तो इसके अंदर दिलवा ही दिया, पर आपको साइड में सेम टू सेम कॉस्ट के अंदर आपको निकाल दिया। अगर कभी ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर को कि भाई ये सिग्नल रिवर्स होने वाला है, तो आपका एसएल से पहले, ये येलो लाइन से पहले ही आपको क्या करवा देगा, निकाल देगा। यहाँ आपको कोस्ट टू कोस्ट में निकाल दिया, आपको एग्जिट कर देना है, जो कि तो भी 3-4 पॉइंट तो वो नीचे गिर ही गया था, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको पोजिशन एग्जिट मार देना है तुरंत। चलते हैं आगे क्या हो रहा है। ये दूसरा ट्रायंगल डाला, तीसरा ट्रायंगल डाला, चौथा ट्रायंगल डाला, मतलब कि अब देखिए, एक मिनट इसको बैक लेता हूँ। ये आगे से ही बोल रहा है, अब ये जो फैसिलिटी है वो किसी के अंदर भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता कि अगर कभी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली होती है तब हमारा सॉफ्टवेयर इसी तरह बार बार क्या कर देता है, ऊपर की तरफ ट्रायंगल डालने लगता है। 1, 2, 3 और 4, इतना 4 ट्रायंगल डाल दिया, मतलब कि आपको जो बाय सिग्नल आने वाला है
उसके अंदर आपको फुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा और फुल ऊपर जाएगा, तो आपको लॉट की क्वांटिटी इंक्रीज करने को लिए बोल रहा है, फुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। बाय सिग्नल आते ही आपको तुरंत क्या कर देना है, लॉट की क्वांटिटी आपको इंक्रीज कर देनी है। तो यहाँ से आपको लॉट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए। एक कैंडल आपको ये मिल रही है 15 मिनट की, ध्यान से देखिए, फिर से मैं रिवर्स करता हूँ। अब देखिए बाय सिग्नल पर आपको क्या कर देना है, लॉट की क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है। ये देखिए दूसरे दिन भी वो, अगले दिन भी वो क्या था, ऊपर फुल मार्केट अप में था।